दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब देश में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर को बसाने की पहल की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की राजधानी लखनऊ को AI सिटी के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी है। नवाबों का शहर के नाम से मशहूर लखनऊ अब AI सिटी के रूप में जाना जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बढ़त बनाने के उद्देश्य से यूपी की योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास की प्रक्रिया तेज हो गई है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड UPLC ने AI सिटी के डिजाइन, विकास और संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में नादरगंज क्षेत्र में एक AI सिटी के विकास के लिए हरी झंडी दे दी गई है, जो लखनऊ को देश के उभरते IT हॉटस्पॉट के रूप में मजबूत करेगा। लखनऊ में AI सिटी की स्थापना के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है और यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए UPLC ने शहर के डिजाइन, विकास और संचालन के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति UPEMP के अनुसार रियल एस्टेट डेवलपर्स और एजेंसियों से इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन के माध्यम से आवेदन मांगे हैं। इस परियोजना से IT कंपनियों के लिए Grade A सर्टिफाइड कमर्शियल स्पेस, अत्याधुनिक डेटा सेंटर, Grade A फ्लेक्सिबल वर्कप्लेस और टेक लैब्स के निर्माण की राह खुलेगी। साथ ही लग्जरी और किफ़ायती हाउसिंग, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रिक्रिएशन एरिया, कमर्शियल स्पेस के साथ ग्रीन एरिया सहित कई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का निर्माण आसान होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने लखनऊ में प्रमुख स्थानों पर AICT के विकास के लिए संभावित जमीन की पहचान की है। इस संदर्भ में IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के स्वामित्व वाली 40 एकड़ जमीन को इस काम के लिए तय किया गया है। नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में स्थित यह जमीन लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर एक प्राइम लोकेशन है। यह जगह फिलहाल बाढ़ से घिरी हुई है और 2 लेन सड़क के माध्यम से यहां पहुंचा जा सकता है। लखनऊ कानपुर राजमार्ग से निकटता, बेहतर कनेक्टिविटी, प्राइम लोकेशन बेस और आधुनिक सुविधाओं के साथ यह क्षेत्र AICT की स्थापना के लिए अनुकूल है। ऐसे मामले में UPLC ने प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक EOI जारी किया है। उन्हें इस क्षेत्र में AICT से संबंधित सभी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए एक डिटेल्ड एक्शन प्लान पर काम करना होगा। प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर कंपनियों को नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख स्थान पर 40 एकड़ जमीन दी जाएगी। इसके तहत भूमि अधिग्रहण, जोनिंग नियमों और दूसरों अप्रूवल्स में मदद दी जाएगी। साथ ही डेवलपर को फाइनेंशियली भी मदद दी जाएगी, जिसमें IT पार्क के लिए 20 करोड़ रुपए का वन टाइम कैपेक्स सपोर्ट और IT सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए तक का कैपेक्स सपोर्ट शामिल है। इसके साथ ही IT और IT पॉलिसी 2022 के अनुसार 100% स्टैंप ड्यूटी छूट, लीज रेंटल, क्लाउड सर्विस कास्ट, बिजली शुल्क और बैड विथ खर्च के लिए नॉन फाइनेंशियल मदद भी दी जाएगी। डेवलपर्स प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर Grade A लीड सर्टिफाइड ऑफिस का निर्माण करके AICT में प्रतिष्ठित अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे। इनक्यूबेटरों, स्टार्टअप और कॉरपोरेट्स के लिए Grade A ऑफिस स्पेस के साथ एक टावर का विकास भी होगा। AI टेस्टिंग और प्रोटोटाइप फैसिलिटीज के लिए एक समर्पित क्षेत्र, जो रिसर्च सेंटर्स और टॉप टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए जगह देगा। जिन डेवलपर्स को इस काम के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, उनका सालाना टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।